महाराष्ट्र में शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष और तीर पर कब्जे की जंग एक बार फिर तेज हो गई है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शिवसेना के नाम और चिन्ह पर चुनाव आयोग को अपना फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सुनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट उद्धव ठाकरे की याचिका पर शिवसेना के बागी विधायकों की अयोग्यता के मामले में सुनवाई कर रहा है। जो मामला दिल्ली में अब तय होने जा रहा है वो एक सुप्रीम कोर्ट में है और दूसरा इलेक्शन कमीशन के पास है, इलेक्शन कमिश्नर के पास है। अब कुछ लोगों का ये मानना है कि पहली जो बात है डिस्क्वालिफिकेशन, उसके ऊपर फैसला होना चाहिए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले आना चाहिए। और वो इसलिए क्योंकि आप सबको पता है, सब जानते हैं, पिछले 20 जून को शुरुआत हो गई जब यहाँ विधान परिषद की चुनाव होने जा रहे थे, हो गए। उसी वक्त कुछ लोगों ने जो पार्टी व्हिप होता है उसका उल्लंघन किया, वो तोड़ दिया और उसी दिन उसी शाम को भाग गए। भगोड़े को पार्टी के ऊपर अधिकार कहने का कोई अधिकार नहीं है, वो भगोड़ा है, भगोड़ा ही होता है। ठाकरे ने कहा कि शिवसेना छोड़ने के बाद तुरंत सुप्रीम कोर्ट में उनकी योग्यता रद्द करने के लिए याचिका दायर की गई है। ऐसे में चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए और कोर्ट का फैसला इस महीने आने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 14 फरवरी से नियमित सुनवाई करेगा। उन्होंने भाग जाने के बाद हमने तुरंत डिस्क्वालिफिकेशन का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में हम लेके गए, उसके ऊपर फैसला अभी उम्मीद है, अपेक्षा है कि इस महीने में हो जाएगा। क्योंकि पिछली बार जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था तो सुप्रीम कोर्ट में ने कह दिया कि 14 फरवरी से लगातार उसके ऊपर सुनवाई होगी। पिछले साल जून में महाराष्ट्र में एक बड़े सियासी उलटफेर में शिवसेना में बड़ी बगावत से पार्टी दो धड़ों में बंट गई। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने सेना के 40 विधायकों के साथ मिलकर बीजेपी के सहयोग से सरकार बना ली और मुख्यमंत्री बन गए। अब शिवसेना के दोनों खेमे अपने आप को असली शिवसेना बताते हुए बाल ठाकरे की विरासत पर दावा ठोक रहे हैं। विवाद बढ़ने के बाद चुनाव आयोग ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष तीर को फ्रीज कर दिया और दोनों धड़ों को अलग अलग चिन्ह दे दिए। फिलहाल एक बार फिर राज्य में शिवसेना पर कब्जे को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। चुनाव आज तक।